थी। तो हमारे यहाँ जैसे बारात जाती है ना, तो मंदिर पे पहले पूजा कर। कैसा हो रहा है इसका टेस्ट? अच्छा हो रहा है दोस्त, एक बात बताऊं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चौहान ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, 9 बज चुके हैं। आज मैं बहुत जल्दी फ्रेश हो गई हूँ, नहा गई हूँ, देख लीजिए मैंने बाल भी वॉश कर लिए हैं, क्योंकि नवी को छोड़ने जाना है मुझे उस स्कूल। सब लोगों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, लेकिन नवी की छुट्टियाँ नहीं पड़ी है। क्यों नहीं पड़ी है छुट्टियाँ बताओ? एग्जाम पढ़ने आप एग्जाम पढ़ रहे हैं? एग्जाम तो हो गए आपके, एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी करनी है। तो नवी को हमने डाल दिया है समर कैंप में, इसलिए उसकी छुट्टियां नहीं पड़ी हैं। और नवी हो गया है रेडी अपने स्कूल जाने के लिए, है ना नवी? ब्रेकफास्ट नहीं? यस, ओके। ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? अभी नहीं किया। नो। आज क्या खाना है ब्रेकफास्ट में? सैंडविच। सैंडविच का दीवाना। तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे 2 सैंडविच बना के रख दिए थे कि जब स्कूल जाने का टाइम होगा तो इसको सैंडविच खिला दूंगी। और बगल वालों का कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा है, ये बहुत ज्यादा भौंकता है, तो इसको इग्नोर कीजिए प्लीज। तो नवी चलो आ जाओ, आ बेटा, ये लो, ये देखिए नवी के सैंडविच यहाँ पे आ चुके हैं। नवी बैठो, सैंडविच खाओ बेटा। अंदर खाना है तो नवी को अभी अंदर सैंडविच खाना है, तो चलते हैं अंदर, उसको खिला देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं स्कूल छोड़ने नवी को। और मेरी पूजा नहीं हुई है अभी तक, जब तक नवी अपना सैंडविच खा रहा है तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ अपना। ठीक है बेटा, आप सैंडविच खा लो, मम्मा पूजा करके आ रही। ठीक है, तो चलते हैं, हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ मंदिर से, और ये देखिए टीका भी लगा दिया। और वहाँ पे ना एक बारात जा रही थी, तो हमारे यहाँ जैसे बारात जाती है ना, तो मंदिर पे पहले पूजा करते हैं, मतलब मत्था वगैरह टेकते हैं, उसके बाद बारात निकलती है लड़की वालों के लिए। और तो इतनी भीड़ हो रखी थी वहाँ पर, और मेरे पास बहुत ही कम टाइम था, मैंने फटाफट से जल्दबाजी में पूजा करी, इतनी अच्छे से नीकी जैसे रोज करती हूँ, और फटाफट जल चढ़ा के आ गई, क्योंकि मुझे नवी को भी छोड़ने जाना था स्कूल। और अब आ चुके हैं हम घर पर, और नवी हो चुका है फुली एंड रेडी। चलते हैं, देखो नवी कितना चुंदल बाबू लगला है, चलवा भी रहा है। तो मैं फ्रेंड्स नवी को छोड़ के आ जाती हूँ, उसके बाद आके मुझे ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद मिलूंगी आप लोगों से। आ चुके हूँ गाइस नवी को स्कूल छोड़कर, और अब बहुत तेज भूख लग रही है, तो फटाफट से अपने लिए हम ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। और ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाऊंगी वो आप देख लीजिए आगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में ब्रेड रोल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्रेड पकौड़ा मुझे पसंद नहीं है, मुझे ब्रेड रोल ही पसंद है। तो ये है नाश्ते के लिए ब्रेड रोल रेडी। अब मैं इनको आपको सेक के दिखाती हूँ, डीप फ्राई करके इनका लुक। चलो फिर मिलते हैं नाश्ते की प्लेट के साथ। साइड रेडी हो रहे हैं रोल, एंड दूसरे साइड बन रही है हमारी चाय। गाइस, फाइनली रोल बन के रेडी हो चुके हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब सब्र नहीं हो रहा है, फटाफट से हम अपना नाश्ता कर लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, 1, 3 मेरे, 3 मम्मी के, वाओ। ब्रेकफास्ट होने के बाद मैंने पूरा घर का काम किया, मतलब जो भी होता है टुटर मुटर काम, उसके बाद मैंने कपड़े भी धो दिए। और मैंने यहाँ पर देखिए लंच तैयार कर दिया, इसमें है आलू की सब्जी तरी वाली, उसमें है राइस जो कि अभी बनाए नहीं है, मैंने भिगा के रख दिए हैं, 5 मिनट भिगा दूँ ना तो बहुत जल्दी राइस बन जाते हैं। और मैंने कुछ और भी बनाया है, दिखाती हूँ आपको कि टन टन, ये आपको लग रहा होगा कि मोमोज वाली चटनी मैंने क्यों बना दी। तो ये है रेड टमाटर, और जो लाल मिर्च होती है ना तीखी वाली, साबुत लाल मिर्च और लहसुन की चटनी, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो आज लंच के खाने के साथ इसको खाया जाए, लंच में करेंगे इंजॉय। तो ये देखिए लग रही है ना मस्त, तो इसको रख देते हैं हम।
गाइस, आज हमारे लंच में बना है ये स्वादिष्ट सी आलू की सब्जी। तरे वाले आलू है ये, और ये राइस है, एंड ये सैलेड है, और ये दही है। क्योंकि हम लोगों को ना तरे वाली सब्जी आलू की और चावल बहुत पसंद है, तो मैंने आज दिन में ये लंच बनाया है। आप लोग भी आ जाइए, हमारा स्पेशल सा अच्छा सा लंच आलू की सब्जी, चावल और दही, खा लीजिए। आ जाइए फ्रेंड्स। सब कुछ हो चुका है मेरा डन, और ना बहुत बिजी डे हो जाता है। बच्चे को भी हैंडल करना, स्कूल लेके आना छोड़ना, सभी के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी होता है। पर आजकल ना मेरा काम बहुत जल्दी निपट रहा है, क्योंकि नवी को छोड़ के आना होता है स्कूल, मैं ही जाती हूँ छोड़ने, तो फिर मुझे फटाफट फटाफट काम करना होता है, और इस वजह से जल्दी भी काम निपट जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नवी को लेने के लिए स्कूल फिर से। तो चलिए थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आपसे। मैं आई थी नवी को स्कूल लेने के लिए, और रास्ते में हमें ये गोले वाले भैया मिल गए, तो नवी ने बोला खाना है, तो हम रुक गए। अब देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे हम रुक गए थे गोला खाने के लिए, और ना बच्चों के साथ ना हम भी बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि हम भी बचपन में ऐसे ही गोला खाया करते थे मेले वगैरह में जाकर, तो मुझे वो ध्यान आ जाता है अपना बच्चा हो गया, तो वो उसके साथ मैं अपने पल भी जी लेती हूँ, बचपन वाले जो कि बहुत ही इंजॉय करते हैं, हम मिस भी करते हैं अपने। जब से शादी हुई है, घर गृहस्थी में इंसान इतना उलझ जाता है कि अपने लिए समय ही नहीं मिलता है, तो नवी के साथ अब मैं भी फुल इन इंजॉय करती हूँ, काफ़ी सारी मस्ती करती हूँ। और यहाँ पर नवी पूछ रहा था कि मम्मा इसमें कौन कौन से कलर डल रहे हैं, तो मैं उसको बता रही हूँ कि बेटा ये कलर इसमें जा रहे हैं, और हमने ये हमेशा गोला बनवा के उसको इंजॉय किया। हमारे यहाँ तो उसको गोला बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। कैसा है? अच्छा है। कैसे खाते हैं इसको बताओ। यस। कैसा हो रहा है इसका टेस्ट? अच्छा हो रहा है। तो नवी की फरमाइश थी कि इसको ये खाना है, आइसक्रीम कह रहा था, आइसक्रीम तो रोज खाता है, तो मैंने सोचा आज इसको ये खिलाया जाए। मम्मा, हाँ आइसक्रीम भी नहीं, अब आइसक्रीम कैंसिल। गर्मियों का सीजन हो और मैंगो शेक ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हस्बैंड जी आए थे यहाँ पर लंच पर, घर पर, तो लंच करवाने के बाद मैंने उनको मैंगो शेक बना के दे दिया था, क्योंकि वो धूप में आते हैं, काफ़ी धूप होती है जब वो आते हैं। आप लोगों को पता ही होगा मई के महीने में दिन में 1-2 बजे के बीच कितनी भयंकर धूप होती है, तो मैं उनको जाते वक्त कभी मैंगो शेक, कभी लस्सी, कभी बनाना शेक दे देती हूँ, तो थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमारा भी थोड़ा बहुत फ़र्ज बनता है उनके लिए कुछ करने का। और उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद मैं मैक्स को लेके आ गई थी छत पर, क्योंकि मैक्स का कोट बहुत ज़्यादा है और उससे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो नीचे ना वो परेशान सा रहता है। शाम की टाइम ऊपर बहुत अच्छी हवा चलती है छत पर, तो मैं उसको लेके आ गई थी यहाँ पर खेलने के लिए थोड़ी देर। साथ में नवी भी आ गया था, नवी अलग से खेल रहा था, और ये देख कितना इंजॉय कर रहा है। बगल में मैक्स का एक फ्रेंड रहता है ना शीरो, तो मैक्स उसको ही ढूंढ रहा है। और उसके बाद हाँ, हस्बैंड जी हमें लेके गए थे कुछ खिलाने के लिए, तो हम यहाँ पर जा रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा ये जगह तो देहरादून वालों को, और ये देखिए हम कितना यम्मी यम्मी चीज़ें खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। वैसे मेरे हस्बैंड ना ऐसे हैं कि मतलब फ़ास्ट फूड वो थोड़ा कम ही खाना पसंद करते हैं और हमें ही मना करते हैं, पर मेरी तो जान बसती है फ़ास्ट फूड में, मैं तो हर दूसरे दिन के खाती हूँ, तो मैंने उनके साथ जिद करी कि प्लीज़ ले चलो, बहुत दिन से मोमोज नहीं खाए, तो हम लोग फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं नटराज के पास, एक ममा किचन करके है, छोटा सा स्टॉल लगाते हैं, वो बहुत टेस्टी बनाते हैं, मैं अक्सर ज़्यादातर यहीं से खाती हूँ। ये देखिए ये ममास किचन है, और आप लोग भी कभी आइएगा यहाँ पर, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, इतना अच्छा टेस्ट तो मुझे रेस्टोरेंट में भी नहीं मिला जितना मुझे यहाँ पे मिला है, तो मुझे अच्छा लगता है इनका टेस्ट, तो ज़्यादातर मैं यहीं पर आती हूँ। और नवी के लिए हमने नूडल्स मंगा लिए थे, क्योंकि वो ना मोमोज़ वगैरह ज़्यादा नहीं खाता है। और उसके बाद हम आ गए थे घर पर, थोड़ा बहुत खा के बाहर से, उसके बाद मैंने बनाई थी ये है कद्दू की सब्जी और पूड़ी, क्योंकि हस्बैंड जी ने बहुत कम ही खाया था, मैंने और नवी ने खाया था। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, होप आपको पसंद आई होगी।